asalaamu alaikum viewers and welcome to my channel study law with pushra so we were discussing registration act 1908 so we have discussed till section 22 of this act in today's video we are going to start from section 23 but before starting the discussion i request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates

डील्स विथ एट सेक्शन ट्वेंटी थ्री क्या कह रहा है टाइम फॉर प्रिजेंटिंग दॉक्यूमेंट सेक्शन ट्वेंटी थ्री क्लियरली ये बात कह रहा है कि जब आप किसी डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे तो विद इन फोर मंथस आपने उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराना है यानी फोर मंथस का फिक्स टाइम पीरियड आपको बता दिया गया है लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड अगर केस फाइल हुआ है कोर्ट ऑफ लॉ में अगर उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई केस है चाहे वो अपोजिट पार्टी के ऑब्जेक्शन की वजह से या कोई भी ऐसी रीजन है कि वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में चला गया है या फिर वो अपील में चला गया है ठीक है वो केस अपील में गया है तो जैसे ही उस केस की फाइनल अपील आएगी उस फाइनल अपील आने के बाद विद इन फोर मंथ्स आपने इस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर रजिस्टर कराना है यानी कि टोटल फिक्स टाइम पीरियड क्या है हमारे पास फोर मंथ्स नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन ट्वेंटी फोर जो कि डील कर रहा है डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय सेवरल पर्सन एट डिफरेंट टाइम जब अब ये क्या कह रहा है कि जब बहुत सारे लोगों ने एक डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कराया लेकिन डिफरेंट टाइम्स में तो वो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए कब भेजा जाएगा विद इन फोर मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच एग्जीक्यूशन अब यहां पर सोचने वाली बात ये कि डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कराने का क्या मतलब है यहां पर डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन से मुराद क्या है कि जिस टाइम पीरियड में आपने वो डीड साइन की थी आप लोगों के दरम्यान कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अब जब आपने वो डीड साइन की तो उस सिग्नेचर के बाद विद इन फोर मंथस आप उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराओगे इन ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार

उसके बाद भी आपसे अगर मजीद डिले हुआ है आपने मजीद ताखीर की है उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराने में और वो जो डिले है वो लेस मंथ्स है यानी पहले चार महीने गुजर गए एक्सपायर हो गए उसके बाद चार महीने से कम टाइम पीरियड गुजरा है लेकिन आपने डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं कराया लेट से तीन महीने गुजर गए हैं तो उस सूरत में क्या होगा कि अब वो बंदा टेन टाइम्स वो फाइन पे करेगा और उसके बाद फिर उसका डॉक्यूमेंट रजिस्टर किया जाएगा फाइन पे अगर वो नहीं करेगा तो उसके डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी अब अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप सबने याद रखनी है कि जो इंस्पेक्टर जनरल है रजिस्ट्रेशन का जो हमने सेक्शन थ्री में पढ़ा था उसके पास ये राइट है कि वो इस फाइन को वेव ऑफ कर सकता है यानी कि वो इंटाइटल्ड है उसके पास ये राइट है कि वो इस फाइन को खत्म कर सकता है अगर वो चाहे तो लेकिन अगर वो नहीं खत्म करेगा तो तब आपने फाइन पे करना है फिर डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन होगी वरना नहीं होगी उसके बाद आता है सेक्शन ट्वेंटी जो की डील कर रहा है डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ पाकिस्तान अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान से बाहर एग्जीक्यूट हुआ है यानी पाकिस्तान से बाहर कोई डीट साइन हुई है लेकिन वो डॉक्यूमेंट कोई ऐसा राइट क्रिएट कर रहा है जिसको पाकिस्तान में ट्रांसफर होना है तो फिर उसको पाकिस्तान में रजिस्टर कराना लाजमी है उसकी रजिस्ट्रेशन मस्ट हो गई है यानी जब वो पार्टी पाकिस्तान आएगी जैसे ही उनका पाकिस्तान में अराइवल होगा तो उनके अराइवल के चार महीने के अंदर अंदर उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराना होगा मतलब अगर आपने ये सेक्शन क्या कह रहा है अगर पाकिस्तान से बाहर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है तो उसकी रजिस्टर लेकिन वो ऐसा राइट क्रिएट कर रहा है जो पाकिस्तान में ट्रांसफर होना है तो फिर उसकी रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में पाकिस्तान में मस्ट है अब जैसे ही ये पार्टी पाकिस्तान आएगी तो इनके पाकिस्तान आने के चार महीने के महीने अंदर अंदर आपने उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराना है इसके बाद आता है सेक्शन 27 जो कि आज की इस वीडियो का लास्ट सेक्शन है जो कि डील कर रहा है विल मे बी रिप्रेजेंटेड और डिपॉजिटेड एट एनी टाइम पीरियड इस सेक्शन के अकॉर्डिंग विल को रजिस्टर कराने का कोई खास टाइम पीरियड नहीं है यानी जो हमने फोर मंथ्स रजिस्ट्रेशन की बात की वो चीज विल के लिए अप्लाई नहीं होगी आप विल को किसी भी टाइम रजिस्टर करा सकते हैं और जब ये किसी भी टाइम रजिस्टर हो सकती है तो इसको किसी भी टाइम पीरियड में रिवोक भी किया जा सकता है जैसे हमने ऊपर सेक्शन में पढ़ा था कि नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन जरूरी है सो ये जो फोर मंथ्स का टाइम पीरियड था ये नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट के लिए था और जो ये बात हो रही है टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स यानी विल की तो विल की चूंकि रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है लिहाजा आप इसको किसी भी टाइम पीरियड में किसी भी डॉक्ट जाकर आप इसको रजिस्टर करा सकते हैं सो so, आज की इस वीडियो में हमने अपना चैप्टर फोर कंप्लीट कर लिया है जो कि डील कर रहा है टाइम फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था और बहुत ही ईजी सा है सो so, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन अल्लाह हाफ़िज।